नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत अपनी वन चाइना पॉलिसी को ड्रॉप कर सकता है। और दोस्तों, चीन ने क्या कहा है, क्या हिदायत दी है भारतीय मीडिया को वन चाइना पॉलिसी के ऊपर, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ताइवान ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है, कैसे हड़काया है चीन को, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, भारत कैसे म्यांमार के रास्ते चीन को घेरने का प्लान बना रहा है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या है पूरा अपडेट, हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चीनी दूतावास ने एक चिट्ठी भारतीय मीडिया के नाम जारी की है और कहा है कि भारतीय मीडिया वन चाइना पॉलिसी को माने। लेकिन जब ये बात ताइवान को पता चली तो उसने चीन को दो टूक शब्दों में भाड़ में जाने को कहा है। दरअसल ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है और भारत सरकार की भी आधिकारिक लाइन यही है, यानी कि यही वन चाइना पॉलिसी है। लेकिन इस आधिकारिक लाइन को याद दिलाना उसे भारी पड़ गया। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, भारत धरती पर सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जहां जीवित प्रेस और आजाद पसंद लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है कम्युनिस्ट चीन सेंसरशिप थोपकर उपमहाद्वीप में घुसना चाहता है। ताइवान के भारतीय दोस्तों का एक ही जवाब होगा, भाड़ में जाओ, यानी कि गेट लॉस्ट। दरअसल 10 अक्टूबर को ताइवान का राष्ट्रीय दिवस है। चीन उसे अपना हिस्सा मानता है और चाहता है कि पूरी दुनिया उसे उसके हिस्से के तौर पर ही स्वीकार करे, यानी कि ताइवान को चीन का हिस्सा ही ऑफिशियली माने। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारतीय मीडिया के लिए जारी बयान में कहा गया है कि ताइवान के आगामी तथाकथित राष्ट्रीय दिवस के बारे में भारत में चीनी दूतावास अपने मीडिया दोस्तों को याद दिलाना चाहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार ही पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करती है और ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। चीनी दूतावास ने बयान में आगे कहा है कि चाइना के साथ कूटनीतिक संबंधों वाले सभी देशों को वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का दृढ़ता से सम्मान करना चाहिए। भारत सरकार भी वन चाइना पॉलिसी फॉलो करती है, यानी कि भारत सरकार ने अभी तक ताइवान को कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दे रखा है। लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि भारत जल्दी अपनी वन चाइना पॉलिसी को ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट से भी 2017 के बाद के सारी रिपोर्ट्स हटा दी गई हैं, जिसमें कि चाइना का नाम मेंशन किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर यहां पे निकल के आ रही है कि भारत जल्दी अपनी वन चाइना पॉलिसी को ड्रॉप कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ताइवान से भी पूरा सपोर्ट आ रहा है और ताइवान भी आने वाले 10 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाने जा रहा है। तो मेरी आपसे विनती है कि कमेंट्स में ताइवान इंडिया फ्रेंडशिप करके कमेंट जरूर करके जाएं। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि भारत कैसे म्यांमार के रास्ते चीन को घेरने का प्लान बना रहा है। तो दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी आक्रामकता का जवाब देने के लिए अब भारत ने एक नई रणनीति अपनाई है। भारत ने म्यांमार की मदद करके चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि भारतीय सेना के चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हाल ही में म्यांमार के दौरे पर गए थे। दोस्तों, यहां पर उन्होंने म्यांमार की काउंसलर आंग सान सू से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि भारत ने यहां पर एक बड़ी रणनीति तैयार की है। दोस्तों, भारत ने प्रपोज किया है म्यांमार में एक $6 बिलियन की पेट्रोलियम रिफाइनरी ओपन करने का। थानलिन क्षेत्र में, जो कि यंगून के करीब है, वहां पर भारत $6 बिलियन की मदद से एक पेट्रोलियम रिफाइनरी के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। दोनों देशों के अधिकारियों ने बॉर्डर की सुरक्षा और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। बताया जा रहा है कि दोनों ही देश इस बात पर रजामंद हुए हैं कि वो अपनी सीमाओं को एक दूसरे के खिलाफ होने वाले गतिविधियों के लिए प्रयोग नहीं होने देंगे। दोस्तों, चीन धीरे धीरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका के हबनटोटा में चीन के बंदरगाह पहले ही स्थापित हो चुके हैं और माना जा रहा है कि चीन इस बेसिस का प्रयोग भारत के खिलाफ भी कर सकता है। पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स में चीन ने भारी निवेश किया हुआ है। अब चीन म्यांमार को आकर्षित करने में लगा हुआ है, लेकिन भारत इस रेस में पीछे नहीं है। भारत और म्यांमार पहले ही एक ट्रांजिट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम से गुजरता है। भारत की तरफ से म्यांमार को $2 मिलियन की मदद देने की भी घोषणा की गई है। इस मदद से बियानू में एक पुल का निर्माण होगा, जो कि मिजोरम से म्यांमार को जोड़ेगा। भारत ने म्यांमार के उस फैसले की भी सराहना की है, जिसके तहत 22 भारतीय उग्रवादियों को सुरक्षा बलों को सौंपने का फैसला किया गया था। दोस्तों, चीन म्यांमार में ऊर्जा के क्षेत्र में 70% से ज्यादा निवेश करता है। इसके अलावा BRI के तहत यहां पर चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी बढ़ाता जा रहा है। म्यांमार ने इससे पहले चीन की योजना का विरोध किया था, क्योंकि देश के ऑडिटर जनरल ने
सरकार को बढ़ते चीनी कर्ज को लेकर चेतावनी दी थी। म्यांमार पर इस समय 10 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जिसमें से 4 बिलियन डॉलर अकेला चीन का है। म्यांमार अब चीन की कंपनियों को प्रोजेक्ट सौंपने से पहले सावधानी बरत रहा है। तो इसी बीच म्यांमार की मदद करने के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है और भारत यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। 6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर एक पेट्रोलियम रिफाइनरी खोलना चाहता है, जिससे कि चीन को घेरने में आसानी होगी और म्यांमार के क्षेत्र में हमारी पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। इसके अलावा अभी का एक बड़ा अपडेट है कि भारत अपनी वन चाइना पॉलिसी को भी ड्रॉप कर सकता है, यानी कि ताइवान को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल सकता है। इसी के अलावा तिब्बत को भी रिकॉग्नाइज भारत कर सकता है। तो ये यहाँ पे बड़ा अपडेट्स है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या भारत को ताइवान और तिब्बत को रिकॉग्नाइज करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में लिख के बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।